हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट सेगमेंट टेक शाला। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे टेकीफाई खबरें जो करेंगी आपकी लाइफ का गियर अप। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट विद मी ऑन टेक शाला। आज का टेक शाला कुछ सीरियस नोट पर है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर उन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है जिन्होंने अपने बहुत ही खास और अजीज लोगों को खो दिया। कभी कभी कितना मन करता है ना कि काश जो अपने हमसे दूर हो गए हैं उन अपनों से हम बात कर पाते, अपनी कुछ कह पाते, उनकी कुछ सुन पाते। अच्छी खबर यह है कि आने वाले वक्त में ये मुमकिन होने जा रहा है। नहीं नहीं, मैं किसी तांत्रिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब होगा टेक्नोलॉजी के जरिए। अब जाहिर है आपका सवाल होगा कि कैसे, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक खास टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाया है जिसके जरिए दिवंगत यानी जो लोग गुजर चुके हैं उनसे बात संभव होगी। ये एक तरह का चैटबॉट होगा जो लोगों को उन लोगों से बात होने का एहसास करवाएगा जो दुनिया में नहीं है। इस चैटबॉट में उस शख्स से जुड़ी तमाम सोशल डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेजेस, वॉइस डेटा ऐड किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चैटबॉट से बात करते वक्त गुजरे हुए व्यक्ति के पास होने का भी एहसास होगा। चैटबॉट की भाषा शैली, आवाज में उतार चढ़ाव और संवेदनाएं भी ऐसे व्यक्त होंगी कि आपको महसूस होगा कि आप उस दिवंगत व्यक्ति के ही साथ हैं। इसके साथ ही चैटबॉट में कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर दिवंगत व्यक्तियों के 2D और 3D इमेज के साथ फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकेगा। इससे उस व्यक्ति की रियल इमेज भी बनाई जा सकेगी जिससे आपको लगेगा कि आप सीधे उस व्यक्ति से जुड़ गए हैं। तो है ना टेक्शाला की दुनिया बेहद कमाल की। तो बस इंतजार कीजिए इस टेक्नोलॉजी के जल्द से जल्द आपके पास आने का जिससे आप दूर गए अपनों को करीब महसूस कर सकेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा टेक्शाला का ये सेगमेंट, हमें जरूर बताएं। और अगर देख रहे हैं हमें फेसबुक पर तो पेज लाइक करें, और अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल फॉलो करें। टिल देन, बाय बाय।